Hi guys, good evening. Uh, sorry for a delay of four to five minutes, exactly six minutes. Hi, welcome back to Legal Edge Sawka Showdown. So I am here with another episode of the series, which is based on the best hundred law schools of the country, as I promised. आपको हम देने वाले हैं इस पूरी सीरीज में 100 एपिसोड्स बैक तू बैक जहाँ पर हम कवर करेंगे 100 लॉ स्कूल्स को। हर एक एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेश मिल एपिसोड हो चुका है जो स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स पहली बार यहां पर आ रहे हैं मुझे लाइव देख रहे हैं वो इसका पहला एपिसोड जो कि हमने कल ही किया था एन एल के ऊपर वो जरूर चेक कर सकते हैं नाउ एज यू कैन सी दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड

इस इस पूरे पूरे सेशन में आपको क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली हैं, सो कोशिश करिए कि पूरा सेशन आप एंड तक देखिए आप चैट विंडो को यूज कर सकते हैं अभी मैं देख सकता हूं कि पर और, और कुछ बातें चल रही हैं, बट कोशिश करिए जिस चीज को हम कवर कर रहे हैं उसके अराउंड आप क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एपिसोड के साथ विच इज एनएल बैंगलोर तो भाई क्या है ये कॉलेज और क्या जानते हैं हम अभी तक इस कॉलेज के बारे में फॉर एवरी क्लाड एस्पिरेंट फॉर एवरी लॉ स्कूल स्टूडेंट फॉर एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट दिस कॉलेज इज अ ड्रीम कॉलेज ये मैं नहीं कहता डेटा कहता है ट्रेंड कहता है पास्ट बताता है हिस्ट्री बताती है ठीक है सो so, इस कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं है यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द रेपिटेशन ऑफ दिस कॉलेज सो जल्दी से जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं इस कॉलेज के बेसिक फैक्ट्स जो हमें पता है तो पता है कॉलेज स्टार्टेड वी वी आर वेरी मच अवेयर बैंगलोर में है क्लैट के थ्रू एडमिशन होने वाला है क्लाइट की जो रेगुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कैच करेगा कोर्सिस की अगर हम बात करते हो तो फिलहाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको बी एल बी ही ऑफर किया जा रहा है कुछ ए, कुछ है जो हम आगे के एलिसूजोड में कवर करेंगे वहां पर उन्होंने और भी कोर्सेज एड कर दिए बट अभी तक एनएल बैंगलोर ने बी ले ले लग लग के अलावा कुछ और शुरू नहीं किया है ठीक है कट ऑफ की बात करेंगे हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करेंगे फीस की बात करेंगे सब कुछ बात करेंगे बट आपको इस सेशन के एंड तक बने रहना होगा ठीक है अगर आप सारे क्वेश्चन अभी पूछने लग जाएंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा प्रोग्राम यहां पे जो है आपको ट्राइमेस्टर्स में मिलता है मतलब एवरी ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री

कैंपस की पार्टीज कैसी होती हैं फेस्ट कैसे होते हैं तो चलिए नजर डालते हैं इनके कैंपस के ऊपर हमने एनएलयू दिल्ली का कैंपस देखा था 19 एकड़ का कैंपस है यहां तो आप और ज्यादा बड़ा कैंपस देख सकते हैं जिस 23 एकड़ का ये कैंपस है 23 एकड़ ह्यूज मैसिव बिल्डिंग मैसिव कैंपस स्प्रेड अक्रॉस 23 एकर्स आपको सारी बेसिक चीजें मिलती है फिंटेस्टिक कैंटीन लाइब्रेरीज दे के लिए स्टाफ आउटडोर गेम्स हैं उनको भी ये लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं इनके जो हैं तो वो सारी चीजें ग्राउंड्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी भी ये कॉलेज आपको थ्रू आउट द कैंपस ऑफर करता है जल्दी से देखते हैं इस कॉलेज की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इन ज्यादा इन तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत है ये कॉलेज एक्चुअली अगर आप एक बार विजिट कर सकते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी बैंगलोर के एस्पिरेंट्स हैं एक बार जाकर वहां विजिट करिए और देखेंगे तो इन तस्वीरों से तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो ये कुछ फोटोज हैं जो हम देख सकते हैं ये इनका ऑडिटोरियम है इनकी क्लासेस है ये एंट्रेंस है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो बहुत ही प्यारी तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट इसको बनाया गया है ये सारी चीज़ें ये हमें दिखाती है कि कॉलेज कैसा दिखता है ठीक है आगे चलते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन एज एवरी एवरी स्टूडेंट नीड्स टू नो अबाउट हॉस्टल अकोमोडेशन ऑफ द कॉलेज यहाँ पे अगर हम हॉस्टल में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं सो so, जल्दी से देखते हैं कि रूम्स में हमें क्या क्या ऑफर किया जा रहा है हॉस्टल्स की अगर हम बात करें तो मेल हॉस्टल्स दे हैव इट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स गंगा कावेरी हिमालय एंड हुगली फीमेल हॉस्टल्स जो है वो माउंटेन रेंजेस के ऊपर है गंगोत्री यमुना नर्मदा नीलगिरीज स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट आर अ सेपरेट अकोमोडेशन उनको आप तीन पैटर्न में आपको ऑफर किए जाते हैं रूम्स uh, या तो ट्रिपल सीटर अकोमोडेशन रूम्स मिलते हैं ट्विन सीटर रूम्स भी मिल सकते हैं सिंगल रूम्स के लिए भी आप जा सकते हैं डिपेंड अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हॉस्टल एमिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो आपको कोट कबर्ड चेयर एंड डेस्क मिलता है गर्म पानी भी मिलता है और लॉन्ड्री फैसिलिटीज भी हैं साथ ही साथ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपना बेड ब्लैंकेट्स वार्म क्लोदिंग कोल्ड वेदर क्लोदिंग और ये सारी जो चीजें हैं उसके हिसाब से आपको कुछ कुछ चीजें वहां हॉस्टल में खुद से भी लेके जानी पड़ेंगी ये ये तो बट बात बात है है कॉमन सेंस की बात है कि आप ये सारी चीजें खुद से लेके जाएंगे तो ये रूम्स के भी फोटोज मैंने पे पेस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं फेंटास्टिक क्लीन रूम्स है तो ये वो कमरे हैं जहां पर आप लोग जाने वाले हैं बैठने वाले हैं पढ़ने वाले हैं और पांच साल अपने बिताने वाले हैं फेंटास्टिक कॉलेज इसी के साथ साथ इस कॉलेज की जो कोर मैनेजमेंट कमेटी है उनमें ये कुछ लोग हैं जो बैक एंड पे पूरी मशीन है एनएल बैंगलोर की चली जानते हैं जल्दी से सो दे हैव प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कृष्ण स्वामी एज वाइस चांसलर देन वी हैव डॉक्टर निगम जो कि रजिस्ट्रार है डॉक्टर अनिकेत नंदन ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी देन वी हैव अन्वेशा घोष असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस हिस्ट्री देन वी हैव अपर्णा चंद्रा एंड वी हैव डॉक्टर अरुण के

इस कॉलेज के अंदर यू बी गेटिंग अराउंड 160 सीट्स 180 सीट्स इनटेक इनका 180 सीट्स का है बट देन यस यू हैव द रेगुलर रिजर्वेशंस आल्सो सो फॉर एसटी यू हैव 7 फॉर एसटी यू आर 7.5 एससी यू आर 15% 16.2 जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है जबकि के एन एल यू दिल्ली में OBC हमने देखे थे कि नहीं थे वहीं आपको कैटेगरी एस रिजर्वेशन मिल रहे हैं और कर्नाटक के लिए ट्वेंटी का एक अलग से डोमेस्टिक कोटा भी देखने को मिलता है आई कैन सी बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स यहाँ पे करे जा रहे हैं बीच बीच में पिछले सीरीज के सेशन के कॉमेंट जरूर आपको उसी, उसी वीडियो पे जाके मिल जाएंगे मोहित तो यू कैन वेट आप टाइम दे सकते हो आपको कल तक या बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको उस सेशन के के सारे कमेंट्स से वन हंड्रेड एंड एटी है, तो है, है अभिषेक जो पूछ रहे हैं वन हंड्रेड एंड एटी सीट्स है और ये पूरा का पूरा डेटा वेरीफाइड है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड ऑल द ऑफिशियल सोर्सेज तो आप इसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया कोई भी डेटा गलत नहीं दिया जाएगा आपको वी नो के कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिना वेरिफिकेशन के लिए नहीं शो करनी चाहिए हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उसी बेसिस पे हमारी पूरी टीम इस डेटा को डबल चेक करके वेरीफाई करके ही यहाँ पे आपके सामने रखा है जल्दी से जानते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है एज आई रिपीटेड इन एन एल यू डेली ऑल्सो वही तीन स्टेप प्रोसेस है यू हैव टू गो थ्रू क्लैट जिसका पैटर्न हम अभी जल्दी से देख लेते हैं देन दर इज अ काउंसलिंग राउंड एंड देन यूल बी गेटिंग द फाइनल एडमिशन इफ यू अगर हम क्लैट की बात करें तो वी आर वेरी मच अवेयर क्लैट विच इज अ टू आर पेपर वन फिफ्टी मार्क्स पेपर है और दो घंटे आपको यहाँ पे मिलते हैं डिवाइडेड इंटू फाइव सेक्शन वो फाइव सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश करंट अफेयर लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूटी यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द क्लैट पैटर्न सो आई डों की मुझे क्लैट के बारे में इफॉर्मेश जरूरत है बट स्टिल अगर आपने से कोई भी स्टूडेंट पहली बार क्लैट को सुन रहा है जान रहा है तो प्लीज यूट्यूब के इसी चैनल पर आपको क्लैट रिलेटेड काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी उन वीडियोज को जाकर आप क्लैट के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा एपिसोड हमने डेडिकेट किया है एनएलू बैंगलोर के लिए तो हम सिर्फ उस कॉलेज के ऊपर ही बात कर रहे हैं टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड स्कोर्स ऑफ पास्ट थ्री इन एक बच्चे ने अभी पूछा था कि अगर मुझे एनएलयू बैंगलोर जाना है सर तो मेरे को कितना स्कोर लाना होगा या मेरी क्या रैंक होनी चाहिए यार ऑफ कोर्स ही बात है रैंक वन कॉलेज है रैंकिंग भी हम आगे बात करने वाले रैंक वन कॉलेज है तो बहुत आसान नहीं है यहाँ पे जाना आप चाहे तो इनके कट ऑफ भी खुद देख सकते हैं कट ऑफ ट्वेंटी 2020 में अप टू रैंक 98 जनरल कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मिले

ठीक है स्कोर्स की बात करें तो बस के बारे में बात करना है क्योंकि वी ऑल क्लैट हर साल हमें तो आपको इन थ्री के, तो के स्टूडेंट्स है वो ध्यान से देख लें टॉकिंग अबाउट द दैटेगरीज तो कैटेगरीज में की बात करें एट जो लास्ट कट ऑफ रैंक था टू वन वन टू फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन

आपको रैंक अच्छी लानी होगी बेटा यहाँ पे स्कोर मैटर नहीं करता है रैंक मैटर करता है ठीक है क्लैट में आपको रैंक बहुत अच्छी लानी होगी गोइंग बैक टू दिस एडमिशन टू अगर आप में से कोई भी व्यूअर नेशनल है आ, मतलब कि वो इंडिया के बाहर से पेपर देने वाला है अगर वो ओ सीआई है द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आपके लिए रूल्स एप्लीकेबल हैं बट अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपके लिए स्लाइड काम की नहीं है वही रेगुलर रूल कि अगर आप इन दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल टू राइट क्लैट और साथ ही साथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होना जरूरी है आपके ट्वेल्थ तक के सर्टिफिकेट में आप जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं वहां पर के ग्रेडिंग सिस्टम्स को जब इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो दे विल बी चेकिंग दैट यू शुड स्कोर एटलीस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स देन ओनली यू आर एलिजिबल टू राइट क्लैट इफ यू आर अ फॉरन नेशनलिया है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली जा रही है कॉलेज की ऑफिशियल डेटा सोर्सेज से बताई जा रही है तो यहां पर हमारा कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है यहां पर ये सारी फीस जो है वो कॉलेज के ऑथेंटिक सोर्सेस से ही निकालकर आपको बताई जा रही है सो एक्सेप्ट ऑल द स्कॉलरशिप एंड कैटेगरी अगर कॉलेज भी आपको देता है एंड इफ यू बिलोंग टू एस एस टी कैटेगरी ज्यादा फर्क नहीं है थ्री लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ये आपकी पर एनम फीस है बाकी कुछ फीस है जो कि वन टाइम चार्जेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन फीस जो कि आपको टेन थाउजेंड रुपीज देनी है रिफंडेबल डिपॉजिट है जो कि वन टाइम है सिक्सटीन थाउजेंड फॉर जनरल कैटेगरी ट्वेल्व थाउजेंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो जो है वो रिपीटेटिव है वो पर एनम बेसिस पे किए जाते हैं तो ये जो पूरी फीस है ये अभी के अभी आप इनकी वेबसाइट से जाके वेरीफाई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं लास्ट एपिसोड में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एनएलयू की फीस ज्यादा बताई गई है तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लारीफाई वो जो फीस हमने वहां पर बताई थी वो भी कॉलेज की ही ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई थी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कंफ्यूजन की एनएलयू डेली की दो वेबसाइट है एक ओल्ड वेबसाइट है और एक नई वेबसाइट है तो शायद ओल्ड वेबसाइट का कोई लिंक आपने देखा होगा बट अगर आप अभी नया वेबसाइट पे जाके नए लिंक्स पे जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं एनएलयू एनएल की फीस जो आपको बताई गई है वही फीस वो चार्ज कर रहे हैं तो क्या हमें इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा क्या मुझे थ्री लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज देने होंगे पर एनम पढ़ने के लिए द आंसर इज नो एज कॉलेज कॉलेज दिस ऑफर्स मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जिनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिसमें आपको कर्नल प्रकाश मनेक मनिक मेमोरियल मेमोरियल स्कॉलरशिप जोय हल्दर टी एच बी स्कॉलरशिप एक्सटर्नल एड्स भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जितनी भी स्कीम्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है तो आदित्य बिर्शि अवेलेबल है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप फॉर फॉरन नेशनल भी अवेलेबल है तो इस तरीके से येस देर आर मेनी स्कॉलरशिप अवेलेबल इन द कॉलेज ऑल्सो इनके बारे में आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट पर जाए वहां पर पढ़े डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं ये सब तो ठीक है कॉलेज भी मिल गया कॉलेज को इतना ज्यादा रेपुटेशन क्यों दिया गया है ये कॉलेज क्यों हमारे लिए या पूरे क्लाट एस्पिरेंट्स के लिए ड्रीम कॉलेज है क्यों इस कॉलेज को नंबर वन कॉलेज बोला जाता है उसके पीछे रीजन है इस कॉलेज के बहुत सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो जैसे अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज की टीम ने मैनफ्रेड लैक्स स्पेस लॉ इंटरनेशनल मूट एंड द ऑक्सफोर्ड प्राइज मूट ये दोनों ही मूट कॉम्पिटिशन में एनएलएसआई बैंगलोर की टीम्स ने अवार्ड जीते हैं विच इज अज अचीवमेंट फॉर दिस कॉलेज इसके अलावा यू कैन सी दीज पिक्चर्स बहुत सारे अवार्ड फंक्शन बहुत सारे मूड कोर्ट बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए ऑलरेडी ये कॉलेज काफी ज्यादा नाम कमा चुका है इतना पुराना कॉलेज है कॉलेज है इंडिया का पहला एन एल यू है इतना तो इनका बनता है इतनी रेपुटेशन तो इनकी बनती ही बनती है एंड टू देयर रेपुटेशन इन सारी इमेजेस से ज्यादा जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप खुद उस चीज को फील कर पाएंगे कि कॉलेज आपको क्या ऑफर करता है किस लेवल के कॉम्पिटिशन वहां पर किए जाते हैं न सिर्फ

then they have alternative dispute resolution board, cultural and fine arts committee and what not. तो so, इतनी सारी सोसाइटीज हैं इतने सारे क्लब्स, है इतनी सारी कम्युनिटीज हैं जहां पर आप इन सारी कमिटीज का पार्ट बन सकते हैं अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ में चार चांद लगा सकते हैं और आप बन सकते हैं इस कॉलेज के अंदर जाने के बाद एक स्टार परफॉर्मर तो यही यही वो सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कोई कॉलेज जाना जाता है

जैन वंशज जैन सॉरी सो ये कुछ फेमस एलेमनाइज हैं इस कॉलेज के सिर्फ चार नहीं हैं बहुत सारे और हैं तो ये मत सोचना कि मैंने चार बता तो चार बताए तो ही लोग हैं और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं हैं इवन द वाइस वाइस चांसलर चांसलर सर जो जो इस कॉलेज के हैं वो भी इसी कॉलेज के एलेमनाई है सोचो कितनी बड़ी बात है आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ सो so, अगर अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के बारे में क्या डेटा है इस कॉलेज का क्या अभी तक परफॉर्मेंस रहा तो जल्दी से नजर नजर डालते हैं पिछले तीन साल के प्लेसमेंट्स के ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो थे 60, 77 80 जो ग्रेजुएट हुए इन सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए तो प्लेस कर दिए गए कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया और नॉर्मल प्लेसमेंट नहीं यू कैन सी द मीडियम सैलरीज ऑल्सो ट्वेल्व लाख रुपीज पर एनम फिफ्टीन लाख रुपीज पर एनम फिफ्टीन लाख रुपीज पर एनम इन पैंडमिकालों में भी कॉलेज आपको इतना प्लेसमेंट दे पा रहा है दिस शोज दिस इंडिकेट्स के कॉलेज की रेपुटेशन क्या रही है कॉलेज की रैंकिंग्स क्या रही है कॉलेज का इंडिया लेवल पे क्या रुतबा है और आगे आने वाली स्लाइड आपको और ज्यादा ये डेटा देने भी वाली है आर्यन बार बार पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या है अगेन मैं यही बोलूंगा यहां पर कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया था आप वीडियो को पॉज करें या रिप्ले करेंगे तो आपको कट ऑफ मिल जाएगा बेटा बट रैंकिंग्स पे ध्यान दो आपको टॉप टॉप 75, top 80 स्टूडेंट्स में आना होगा अगर आपको एनएलयू बैंगलोर में जाना है और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कमिंग बैक टू दिस सो आई वो टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट वेरी हाई प्लेसमेंट ऑफ द हाइएस्ट प्लेसमेंट अक्रॉस ऑल द एनएलयूज Is being given by NLSIU वो ऐसे ही नहीं मिली है अब तो आप खुद देख सकते हैं किसी भी रैंकिंग देख लीजिए हर रैंकिंग में इस कॉलेज को रैंक वन ही दिया गया है तो आज तक की आज तक की हिस्ट्री में इस कॉलेज ने अपनी रैंकिंग को वन टू से नीचे नहीं लेके गए हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात है एक तो रैंक वन होना और उस रैंक वन को मेंटेन करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है सो कमिंग ऑन टू एन रैंकिंग उसके हिसाब से भी द कॉलेज इज एट फर्स्ट पोजिशन वेरी ह्यूज थिंग यू कैन सी फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव योर पांच सालों से जब से एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी है तब से एनएलयू बैंगलोर रैंक वन पे कंसिस्टेंटली बना हुआ है यार ये तो सबसे बड़ी रैंकिंग रैंक वन आउटलुक आई केयर रैंक वन दीक रिसर्च कटेड उसमें भी बेस्ट कॉलेज में फर्स्ट रैंक करियर थ्री सिक्सटी डिग्री फर्स्ट रैंक इंडिया टूडे फर्स्ट रैंक एजुकेशनल वर्ल्ड फर्स्ट रैंक वॉट नॉट मतलब जितनी भी बार जितनी भी बड़ी बड़ी रैंकिंग है उन सारी रैंकिंग्स के हिसाब से आप इस कॉलेज के बारे में जितना भी गूगल कर ले आपको ये रैंक वन ही मिलेगा

यहां तक इस पूरे एपिसोड में आपको जो मैंने कॉलेज के बारे में इंपॉर्टेंट दी उनसे आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी आई होप आप इस कॉलेज के बारे में और ज्यादा रिसर्च करेंगे स्टिल अगर यू हैव एनी क्वेरीज लेफ्ट द चैट विंडो इज देयर द कॉमेंट बॉक्स इज देयर यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर ऑल्सो और यू कैन राइट टू आर सपोर्ट आईडी सपोर्ट एट द रेट टॉप रैंकर्स डॉट कॉम वहां पर आप मेल करके भी अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और भी कुछ साथ साथ इंपॉर्टेंट आपको और बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिन ऑफ थर्टी मिनट ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर पाया आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा साथ ही साथ ऑफ नवंबर जिसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं क्लैट

as i've already promised i'll be coming up with 100 episodes on 100 colleges jald hi dusre college ke sath aayenge yahi pe isi jagah isi isi channel pe jahan pe hum aapse baat karenge ek aur naye analysis ke till then bye bye take care and do share this video with all your friends as well bye bye take care